हेलो फ्रेंड्स, सारा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरहर की फरेरी दाल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अरहर की दाल ली है, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया है। और कुकर में पूरा पकाना नहीं है, दाल को सिर्फ 2 से 3 सीटें देनी है ताकि फरेरी बन सके। दाल को भली भांति धोने के बाद मैंने इसमें करीब 100 ml पानी लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है और 1/2 चम्मच हल्दी ली है, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है, इसके लिए 2 गोलमिर्च ली है और इसे 2 से 3 सीटी मैंने रख दिया लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, दाल 2 से 3 सीटी के बाद मैंने चेक किया है, जो कि ये फरेरी बनी है, लेकिन अभी ये सही से पकी नहीं है। तो इसको करीब 5 से 10 मिनट गैस की लो फ्लेम में आपको पकने देना है। तो दोस्तों मैंने चेक किया, 10 मिनट दाल हो चुकी है। अब दाल को भगाना है। 7-8 पीस लहसुन की जगह मैंने पहले से बारीक कर लिए थे, इसमें तेल में मैंने डाल दिए हैं, जो कि हो चुका है। और थोड़ा सा जीरा और 1 सूखा मिर्च इस्तेमाल किया है। और तेल इसमें करीब मैंने 10 से 15 ml ऑयल ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। आप चाहें तो चुटकी भर हींग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। दोस्तों अरहर की फरेरी दाल तैयार हो चुकी है और ये बहुत अच्छी बनी है, जो कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, दाल आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।